लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सेना के एनकाउंटर में मारे गए 12 आतंकवादी और बिलबिला गए अलगाववादी। जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकवादियों पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे से चले सेना के एनकाउंटर अभियान में 12 आतंकवादी मारे गए हैं। ऑपरेशन के दौरान सेना को स्थानीय नागरिकों की हिंसा को भी झेलना पड़ा। ऑपरेशन के दौरान हुई झड़प में प्रातः 4 बजे नागरिकों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा घायल है। जम्मू कश्मीर में हुए इस एनकाउंटर में भारतीय सेना के 3 जवान भी शहीद हुए हैं। सेना के इस एनकाउंटर से आतंकवादियों में गजब की दहशत फैली हुई है। सेना ने शोपियां में 2 अलग अलग जगह पर चली मुठभेड़ के दौरान 11 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है और एक आतंकी अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया। अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी जिंदा भी पकड़ा गया। मारे गए आतंकियों में से 2 लेफ्टिनेंट उमर फयाज के हत्याकांड में शामिल थे। जम्मू कश्मीर में एहतियातन इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। इस ऑपरेशन से साफ जाहिर है कि सेना आतंकियों को बख्शने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है और आतंकियों की सजा सिर्फ मौत है। सेना ने जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों और युवाओं से अपील की है कि वे लोग पाकिस्तान और उनके एजेंटों के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए, हिंसा का रास्ता छोड़ दे, क्योंकि जो भी बंदूक उठाएगा उनके खिलाफ सेना ऐसे ही ऑपरेशन करती रहेगी।